और ये यहाँ पे इनके पास हैं जनाब जलेबियाँ, गरम गरम जलेबियाँ हैं, और ये है इसके साथ मरसे कहते हैं इसको, ये मीठे होते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के, और ये हैं पकोड़े, पकोड़ों के साथ ये हैं टिक्कियाँ, आलू की टिक्कियाँ, और उसके साथ ये है चिकन की टिक्कियाँ, और यहाँ पे गर्मा गर्म समोसे जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं, तले जा रहे हैं, बहुत ही फ्रेश ज़बरदस्त किस्म के समोसे यहाँ पे, ये देखिए जनाब गर्मा गर्म समोसे, क्रिस्पी क्रिस्पी, खस्ता खस्ता ज़बरदस्त। और नाज़रीन ये देखें इनके पास कितना रश है, और कस्टमर्स का एक बहुत ही ज़्यादा रश है यहाँ पे, और ये देखें धड़ाधड़ रोल बन रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे समोसा चाट बन रही है, बहुत ही मज़ेदार चने और ज़बरदस्त किस्म की चाट बन रही है, धड़ाधड़ ऑर्डर्स आ रहे हैं यहाँ पे, और इनको जैसे कहते हैं ना सर खुजाने की फुर्सत नहीं है, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। तो आई रिकमेंड यू कि आएँ यहाँ पे विज़िट करें, और आप इंशाल्लाह इसको बहुत ही ज़्यादा लाइक करेंगे इनकी वैरायटी, और यही ज़मानत है इनके के रश होने की कि ये एक अच्छी वैरायटी दे रहे हैं हमें कस्टमर्स को मुनासिब रेट के ऊपर। और इसके अलावा अगर आप यहाँ बैठ के खाना चाहें तो सिटिंग एरिया भी यहाँ बहुत ज़बरदस्त है, ये देखें जी यहाँ पे कस्टमर बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं, ये देखें जी। शॉप का नाम है बेनज़ीर पकौड़ा मरकज़, शानी एंड मानी पकौड़ा समोसा मरकज़ है, और ये है जनाब कानियावाला रोड पे, और ये मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। अगर आप शहर वाली साइड से आएँ तो ये है जनाब राइट साइड पे, और अगर आप कानियावाला वाली साइड से आएँ तो ये आपको लेफ़्ट साइड में पड़ेगा, इट इज़ अपोजिट टू पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, और ये इस कॉलेज के बिल्कुल सामने है, डिग्री कॉलेज के सामने, आप यहाँ पे कोई भी आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आज जनाब, आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं बेनज़ीर पकौड़ा मरकज़ है, और यहाँ पे बहुत ही वैरायटी है, और बहुत से दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, वैरायटी ऑफ स्नैक्स हैं यहाँ पे, और बहुत ही मुनासिब और अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। मैंने भी सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए और आपको बताया जाए, तो आपको भी अगर समोसे पकोड़े नान बर्गर समोसा चाट और इस किस्म की कोई भी वैरायटी चाहिए हो तो बहुत ही अच्छा टेस्ट है इनका, मैंने खुद टेस्ट किया है, और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी ये एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। तो आइए चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, विज़िट करवाता हूँ, और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आइटम ये यहाँ पर प्रो कर रहे हैं। नाज़रीन यहाँ पर ये समोसा रोल बनाने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या डाला आप? समोसा, समोसा डाले, ठीक है। ये अब चने डालने लगे हैं, चने अब सैलड डालने लगे हैं, अब चटनी चटनी डालने लगे हैं। सही है, ये दही की चटनी डाले, रोल तैयार हो गए। सही है, अब ये गर्मा गर्म, और ये जो जिस तवे पे आप बना रहे हैं ऑलरेडी गर्म हुआ है, इसको सेक के भी आप देते हैं जी? बिल्कुल सही हो गया। नाज़रीन मेरे मुंह में तो देखें पानी आ रहा है देख के ही, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी से ही खाना शुरू कर दूं, लेकिन अभी आपके साथ और भी इन्फॉर्मेशन है इस बारे में शेयर करनी है। देखिए गर्मा गर्म तैयार होने हैं रोल। नाज़रीन मेरे साथ यहाँ पे एक कस्टमर है, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पे क्या लेने आए हैं और यहाँ पे आने की क्या वजह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अहमद। अच्छा अहमद साहब, आप ये बताएं यहाँ पे आप इस स्टॉल पे आए हुए हैं तो क्या लेने आए हैं? मैं यहाँ रोल लेने आया हूँ, यहाँ रोल बहुत अच्छे मिलते हैं, पूरे ज़िले में यहाँ से रोल अच्छे मिलते हैं। सही हो गया, तो आप कितने अरसे से इनके पास से रोल खा रहे हैं? मैं इसको 10-12 साल से यहाँ से रोल खा रहा हूँ। सही है, तो ये यहाँ के रोल खाने से आपको और बाकी जगहों के भी आपने जायका किया होगा, टेस्ट किया होगा, तो कैसा डिफरेंस है, क्या फ़र्क है इसमें? फ़र्क है इनका रोल अच्छा होता है, भरा होता है, बाकी रोल खाली होते हैं, इनका रोल अच्छा है, प्राइस भी कम है, और अच्छा रोल जायकेदार अच्छा रोल होता है। सही होगा। नाज़रीन इनका कहना था कि रोल इन्होंने काफ़ी जगह से खाए हैं लेकिन यहाँ का रोल सबसे डिफरेंट है और रेट भी मुनासिब है, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आप भी आइए और रोल एंजॉय कीजिए। नाज़रीन यहाँ पे मेरे साथ शॉप के ओनर हैं खालिद साहब,
तो चलिए इनसे पूछते हैं कि शॉप के बारे में थोड़ी सी मालूमात लेते हैं, क्या क्या वैरायटी है और क्या क्या है। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम सलाम। जनाब ये बताइए कि आपकी शॉप के बारे में मैंने बहुत सुना था कि बहुत अच्छा आप लोग मटेरियल बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, स्नैक्स वगैरह बनाते हैं, तो इसी वजह से आज मैं आपके पास आया हूँ। तो आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सेल कर रहे हैं। पकौड़े, समोसे, टिक्कियाँ, चिकन वाली टिक्कियाँ, समोसा चाट, उसके बाद रोल है हमारे पास, चिकन वाले समोसे, समोसा चाट, हलवा पूड़ी। सुबह के नाश्ते में हलवा पूरी भी होती है? अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, तला हुआ नान होता है स्पेशल, वो स्पेशल तला हुआ नान भी इनके पास मिल जाता है। अच्छा खालिद साहब ये बताइए कि आपके पास यहाँ पे मैंने इर्द गिर्द और भी देखी हैं, ये स्नैक्स वाली काफ़ी स्टॉल्स हैं, लेकिन आपके पास इतना ज़्यादा रश है, उसकी क्या वजह है? बस गाह को मेयार देते हैं, पूरा मेयार बिल्कुल जो है ना खुला डुला जो है ना माल जो है ना गाह को देते हैं हम। ये सही हो गया। ये जो चने होते हैं ना रोल पर डाल के देते हैं ये चने, तो कम से कम 10 किलो चने हमारे जो है ना ऐसे रोलों पे चले जाते हैं फ्री, तो गाह खुश होता है। यानी बहुत ही अच्छा, यानी खुले दिल से कहते हैं कि हम चीज़ देते हैं। और रेट कैसे हैं आपके? मुनासिब, बिल्कुल मुनासिब रेट है। 30 रुपये का रोल दे रहे हैं, 15 रुपये का समोसा दे रहे हैं, बाज़ार 20 रुपये का मिल रहा है, इधर 15 रुपये का, कीमतें मुनासिब हैं, क्योंकि स्टूडेंट आते हैं ना, स्टूडेंट के पास इतने पैसे नहीं होते, तो इसलिए हम रियायत रखते हैं चीज़। नाज़रीन ये तो बहुत ही अच्छी बात है, देखें ये स्टूडेंट्स का भी ख्याल करते हैं, ना कि अपने कारोबार का ख्याल करें, साथ साथ देखें कितनी अच्छी इन्होंने बात की कि हम स्टूडेंट का ख्याल करते हुए ये रेट हमने बहुत मुनासिब रखे हैं, और उनकी पॉकेट मनी ज़ाहिर है स्टूडेंट्स को कम ही मिलती है, तो कह रहे हैं कि हमने उस हिसाब से रेट, बहुत अच्छी बात है, काबिल तारीफ़ बात है ये तो। अच्छा खालिद साहब ये बताइए कि आपके पास ऑर्डर वगैरह भी आते हैं पार्टीज़? बहुत स्कूलों से ऑर्डर आते हैं और मुनासिब कीमत के आर्डर देते हैं हम, क्योंकि बच्चों के पास इतनी पॉकेट मनी नहीं होती, तो सब ले लेते हैं। तो ये अगर कोई बर्थडे पार्टी के लिए समोसे बनवाना चाहे आपसे और चीज़ें बनवाना चाहे, तो उसके आर्डर के लिए आप क्या डिस्काउंट वगैरह देते हैं? बहुत ज़्यादा मुनासिब, बिल्कुल मुनासिब। नाज़रीन आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि खालिद साहब कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे ऑर्डर करेंगे, कोई पार्टी है, कोई स्कूल का कोई फंक्शन है, पार्टी है, फेयरवेल पार्टी है, तो इनके पास आएँ, ये आपको स्पेशल डिस्काउंट देंगे। मेरी वीडियो के हवाले से आप हवाला दें कि हम वीडियो देख के आए हैं, तो आपको ये ख़ास तौर पर डिस्काउंट देंगे। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जो है ना मुनासिब कीमत होगी, बिल्कुल मुनासिब, क्यों हर बच्चा ले लेगा, हर बच्चा। सही हो गया। अच्छा खालिद साहब आप ये बताइए कि जो आप ये सारे मटेरियल में जो इंग्रेडिएंट्स हैं, माल जो है वो कौन सा इस्तेमाल करते हैं, ऑयल कौन सा इस्तेमाल करते हैं, और ये बाकी मसाला जात और ये? ऑयल मास्टर का एक नंबर मलेशिया का बना हुआ है ऑयल, 4,500 रुपये का टीन है वो, यानी खालिस चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। खालिस बिल्कुल, कोई इधर जो है ना महकमा फूड वाले भी आते हैं, चेक करते हैं और हमें शाबाश देंगे। वेरी गुड हो गया। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे जेलम के रहायशी तो आते हैं आपके पास, क्या दूसरे इलाकों के लोग भी आते हैं? सियालकोट गुजरांवाला से इधर आते हैं, इधर इरफान साहब हैं ना, तो उनको उनके पास आते हैं, तो हमारे पास इधर आते हैं, खाना शाना इधर से खाते हैं। सही हो गया। यानी इनका कहना है कि ना सिर्फ इनका जायका जेलम के एरिया में मशहूर है, बल्कि दूसरे शहरों के लोग भी यहाँ पे आके खाते हैं। तो नाज़रीन आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कम एंड हैव फन ओवर हेयर एंड टेस्ट दिस। हमारे नाज़रीन के लिए रेट भी बता दें, ताकि आपको पता है महंगाई का ज़माना है, लोग चाहते हैं कि हमें सस्ती चीज़ मिले और अच्छी चीज़ मिले, तो ज़रा बता दें कि रोल कितने का मिल जाता है यहाँ पे? रोल जो है ना समोसे चाट वाला, जिसे चाट वाला ये चने डाल कर 30 रुपये का, और चिकन वाला जो है 50 रुपये का है। अच्छा, आलू वाली टिक्की वाला भी 30 रुपये का। सही हो गया। और समोसा चाट कितने की दे रहे हैं? 80 रुपये की प्लेट। 80 रुपये की जी, बहुत मुनासिब रेट है इस महंगाई के दौर में। और जैसे बता रहे हैं समोसा रोल जो है वो चाट वाला होता है, वो सिंपल समोसा रख के ऐसे रोल लपेट के नहीं दे देते, अभी आपको मैंने दिखाया भी था, तो बहुत मुनासिब रेट है। अच्छा यहाँ पे मैंने जलेबी भी देखी है और उसके साथ मरसे हैं, शायद इसको मरसे कहते हैं, तो इनका क्या रेट है? इनका रेट जो है ना 300 रुपये किलो है। ये भी बहुत मुनासिब रेट है जी। और चिकन की टिक्कियाँ भी आपने बना के रखी हुई हैं, ये बहुत ज़्यादा वो भी सेल हो रही हैं, तो उसका क्या रेट? ये 30 रुपये की है। 30। अच्छा 30 रुपये में चिकन की टिक्की, अनबिलीवेबल, मुझे यकीन नहीं आ रहा इतनी सस्ती टिक्की आप दे रहे हैं चिकन की, तो ये इतना आपने स्टैंडर्ड रखा हुआ है, मियार रखा हुआ है,
तो कैसे मेंटेन कर लेते हैं, खर्चा ज़्यादा नहीं हो जाता? गुजारा हो जाता है, गुजारा हो जाता है। हमारा अपना सेटअप, अपनी दुकानें, अपना घर है, ये हम अपनी लेबर है सारी, इसलिए अगर हम लेबर बाहर से लाएंगे ना तो 2000 रुपया लेबर लग जाएगा, दुकान का किराया भी 10000 लग जाएगा, इसलिए हम चाह रहे हैं, सोचा है कि हम मुनासिब कीमत हर आदमी ले ले, गरीब अमीर ले ले, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हर आदमी गरीब आदमी इधर आके ले रहे और अल्लाह पाक बरकत डाल रहे, तो गुजारा हो रहा है, ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सही हो गया। यानी इनका कहना था कि ये गरीब आवाम का ख्याल कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उसमें खुद ही बरकत डाल रहा है और उनका जो नफ़ा नुकसान है वो खुद ही पूरा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ कुछ और कस्टमर्स भी हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या? मेरा नाम अब्दुल्ला हद है। अच्छा अब्दुल्ला, आप ये बताएं आप यहाँ पे क्या लेने आए हैं? मैं यहाँ पे एक रोल लेने आया हूँ। सही है, तो रोल वाले तो और भी बहुत से हैं, आप यहाँ पे क्यों हैं? रोल वाले तो बहुत से हैं लेकिन इनका जो रोल होता है वो बहुत मज़ेदार होता है, शानदार होता है, इसलिए हम इनके पास ही आते हैं। सही हो गया। टेस्ट कैसा होता है इनका? टेस्ट इनका बहुत अच्छा होता है और पहले भी इनसे बहुत बार लिया है, हम स्कूल से आते हैं तो सीधे इनके पास ही हम रुकते हैं, इन्हीं से लेते हैं, इसलिए हमें इनके रोल बहुत अच्छे लगते हैं। सही हुआ। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि हम यहाँ पे इसलिए आते हैं कि इनका टेस्ट अच्छा है, वैसे तो रोल वाले जगह जगह बैठे हुए हैं, तो आप भी आइए। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझसे अब इंतज़ार नहीं हो रहा मज़ीद, और चाट देख के मेरे मुँह में बहुत ही पानी आ रहा था, तो अब मेरे सामने है चाट, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, इसकी लुक मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, वाओ ग्रेट। तो मैं अब करने जा रहा हूँ इसको टेस्ट और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। ज़बरदस्त, आपके मुँह में पानी आ रहा है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कम हियर एंड टेस्ट इट चार, बहुत ज़बरदस्त, ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है, वेरी यूनिक, बहुत ही लाइट स्पाइसेस रखे हैं इन्होंने लेकिन टेस्ट जो है ना बहुत ज़बरदस्त आ रहा है ये नाज़रीन। और ये जो चने डाले हैं, चने का सालन का टेस्ट तो क्या ही बात है, बहुत ज़बरदस्त यूनिक टेस्ट आ रहा है, मैंने ऐसे समोसा चाट पहले कभी नहीं खाया। नाज़रीन, चाट मैंने खा दी है, बहुत ही मज़ेदार, स्पाइसेस, ग्रेट टेस्ट, लाइट बट टेस्टफुल। तो अब इन्होंने मुझे साथ सर्व किया है, ये मिठाई टाइप की कोई चीज़ है, इसको यहाँ की लैंग्वेज में मनसे कहते हैं, तो ये मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि ये कैसा है। ये भी ज़बरदस्त है, बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची, और इसमें सीसम स्वीट लगे हुए हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसमें। तो अगर मिठाई का म्यार देखा जाए तो ये भी ज़बरदस्त है। तो व्यूज, आज की वीडियो आपको कैसे लगी आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है, और यहाँ पे आके आपने टेस्ट ज़रूर करना है, ट्रस्ट में बहुत अच्छा टेस्ट है इनका, इकोनॉमिकल प्राइसेस हैं, बहुत ही मुनासिब रेट में दे रहे हैं और बहुत अच्छा म्यार दे रहे हैं, और टेस्ट ग्रेट टेस्ट। सबसे मेन चीज़ क्या है कि इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं इनके, साफ़ सुथरा मिसाले जाते हैं, और ऑयल जो है वो ज़बरदस्त इंपोर्टेड ऑयल की यूज़ कर रहे हैं जो कि सेहत के लिए बिल्कुल भी नुकसान दे नहीं है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कम एंड टेस्ट एंड गिव मी फीडबैक, तो मैं आपके फीडबैक का इंतजार करूँगा। अगर आप में भी कोई टैलेंट है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, आई विल कम टू यू और आई विल प्रमोट यू, मैं आपको लाऊँगा दुनिया के सामने ताकि दुनिया वाले आपको देख सकें, जान सकें। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।